हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बायो लर्निंग पॉइंट एंड आई एम आशीष गुप्ता। और आप आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। दरअसल हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में एक वीडियो अपलोड की जा हो चुकी है बायो लर्निंग पॉइंट की। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और फिर इस वीडियो को देखिए। दूसरा सर, ये एम सी क्यूज़ हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के, जो BHU, IISc में पूछे गए और नेट के भी एम सी क्यूज़ पुटअप किए गए। इन सभी एम सी क्यूज़ के बाद आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म में यूज इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? पिग, माउस, ह्यूमन, वन और टू बॉथ। माउस का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, इसकी प्लाज्मा सेल का इस्तेमाल करते हैं। इन विच ईयर द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? 1984, 1975, 1970, 1975। वैसे 1984 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, मिलस्टीन और कोहलर को, तो 1984 नहीं होगा। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन विच फ्यूजन बिटवीन स्प्लीन एंड माइलोमा सेल, PBR322 एंड स्प्लीन सेल, नन स्प्लीन सेल ऑन हिपेटोसाइट्स। स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल, स्प्लीन सेल का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा सेल्स। द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी बाय विच सेल? BHU-BT में पूछा गया। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हमेशा बी सेल्स से होता है। बी सेल्स से दो सेल्स में हमेशा डिवाइड होते हैं, मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। द ग्रोथ ऑफ द हाइब्रिडोमा सेल अकर्स इन विच मीडियम? हैट मीडियम, हाइपोजेंथाइन, अमीनोपेक्टिन, थायमिडीन सोल्यूशन, वन और टू बोथ। असल हैट का ही फुल फॉर्म है हाइपोजेंथाइन अमीनोपेक्टिन थायमिडीन सोल्यूशन, तो वन और टू बोथ होगा। विच मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाइब्रिड सेल? साल्वेज मैथड, डी नोमो मैथड, वन और टू बॉथ, नन। जैसे हाइब्रिड सेल के हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए साल्वेज मैथड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डी नोमो पाथवे में अमीनोपेक्टिन प्रेजेंट होता है जो वो डाइहाइड्रोफ्लोरेट एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इसलिए हमेशा हाइब्रिड सेल को मल्टीप्लिकेशन के लिए साल्वेज पाथवे का इस्तेमाल करता है। विच सब्सटेंस रिक्वायर फॉर द ऑपरेट डी नोवो मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सेल क्लोन्स? SGPRT, टेट्रा हाइड्रोफ्लोरेट अमीनोपेक्टिन, नन। इसमें पूछ रहा है कि हाइब्रिड डी नोवो पाथवे को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा एंजाइम या फिर कौन सा सब्सटेंस यूज अवेलेबल होना चाहिए, तो ये होगा टेट्रा हाइड्रोफ्लोरेट। करेक्ट नेम ऑफ द SGPRT एंजाइम? हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फॉस्फोराइबेसिल ट्रांसफरेस, हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फॉस्फेट राइबोसिल ट्रांसफरेस, हाइपो ग्वानिन फॉस्फोराइबो ट्रांसफरेस। तो इसका पहला होगा हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फॉस्फोराइबेसिल ट्रांसफरेस। तो सर पहला गलत है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट है, फॉस्फो नहीं है। विच सब्सटेंस इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफ्लोरेटेज एंजाइम इन हैट मीडिया इन डी नोवो पाथवे? हाइपोजेंथाइन अमीनोपेक्टिन थायमिडीन, नन अमीनोपेक्टिन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? सीजन मिलस्टीन एंड जोल जे एफ कोहलर इन्वेस्टेड दैट टेक्नोलॉजी इन 1975, वन और टू बॉथ, नन। वन और टू बॉथ, दोनों सही। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डिफर फ्रॉम द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज? ये IISc में पूछा गया है। स्पेसिफिक एपिटोप, स्पेसिफिक एंटीजन, स्पेसिफिक क्लोन ऑफ सेल्स, ऑल ऑफ अबव। स्पेसिफिक एपिटोप, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में केवल एक एपिटोप होता है और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में कई सारे एपिटोप होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
monoclonal antibody is incorrect. They can be produced in large amount of by growing mice, each of which immunized with the same antigen. They are used for in quantifying specific protein in human blood. They can be used to purify scarce proteins by the affinity chromatography. They can be used to prepare catalytic antibodies. जैसे एक दो तीन ये सब सही हैं. चलिए जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि सेम एंटीजन से कई सारे एंटीबॉडी नहीं, अलग अलग एंटीजन होना चाहिए. अलग अलग एंटीजन से अलग अलग एंटीबॉडी, तब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा. ये भी आईएसएससी में पूछा गया. हैट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द हाइब्रिडोमा बेस्ड ऑन फॉलोइंग. Only hybridoma will grow since it inherited the HGPRT gene from B cells and can synthesize DNA from hypogenine. Myeloma cell will not grow in culture since de novo synthesis is blocked by immunoprotein and due to lack of HGPRT enzyme. Ye दूसरा स्टेटमेंट सही है. और आइनली ओनली हाइब्रिड सेल विल ग्रो सिंस द इनहेरिटेड जीपीआरटी जीन एंड बी सेल्स कैन बी सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम हाइपोजन था. तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बी पी एंड क्यू दोनों बहुत ट्रू है. तो ये रहा हमारे कुछ एमसीक्यूज जो आईएसएससी में और बीएचयू में पूछे गए, नेट में भी पूछे गए. तो इस इन एमसीक्यूज को लगाने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और अगर आपने जो पिछली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके उसको देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स के वीडियो के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए. अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न इस टॉपिक के बारे में हो तो आप वो उसको कमेंट बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं. तो ये है बायोलॉजिक पॉइंट. थैंक यू.